or the Sensex, the GDP should relate with the farmers' development. Now, my IT sector has the concepts are from the abroad, and we are implementing our technology over here. Why not have our own concepts? Why not have our own innovations? We are trying that. Let us go for our own innovations and own ideas for the Indian climatic conditions. Are we not going to think about it? All these are, I mean, you people are much more brilliant, have much more studies about it. But when I talk about this, you need an autonomy. You need autonomy for business. You do not want even any hurdle in that. Companies Act is also having a problem with you. Maybe the Companies Act is redundant today. Some problems are there. Let us bring it to us. You have elected us. I assure you, if there is wrong, something wrong in Companies Act, I will voice it in the Parliament. That much assurance I can give it to today. The other issues, managerial issue, managerial issues. I have learnt it in a long back. What is managerial skill? So minimum sources, maximum output is a managerial skill. And we are the excuse masters, particularly in administration and our government machinery. Every officer, secretary level, they are excuse masters. Instead of resolving the problem, they will go to reasoning the problem. They will go on saying that, this is the reason, this is the reason. But we know the reasons. You tell us the solutions. And my IT people who are coming with solution, now go for this also. Let the secretariat people tell them. Secretariat people, you should tell, what you want, we have a solutions with that. IT sector is coming with the solutions of the administrative structure also. We will give you solution, run the government with the IT sector's suggestions, and you will get the necessary success, results which you desire to get. ऐसी स्थिति में अभी हम जब सोचते हैं सारी चीजें तो मुझे बड़े ही खुशी इस बात की होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप सोचो कभी कभी मैं सोचता हूं कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण कर रहे और भाषण करते समय उन्होंने पहला लफ्ज पुकारा कि मैं यहां भाषण जो कर रहा हूं वो इस देश के प्रधानमंत्री के नाते नहीं इसके लिए मैं जानबूझकर हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वैसे मुझे बताना है मैं इस देश के प्रधानमंत्री के नाते यहां भाषण नहीं कर रहा हूं मैं इस देश का प्रधान सेवक करके भाषण कर रहा हूं अब वो प्रधान सेवक की जब सोच उनकी मन में आई तो सोचो कभी-कभी मैं सोचता हूं इतना कि दुनिया भर के लोग देखते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री उनकी जनता को एड्रेस कर रहे हैं और एड्रेस करते समय उन्होंने बात की स्वच्छता अभियान उन्होंने बात की टॉयलेट्स की देश के प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात करते हैं स्वतंत्रता दिन पर करते हैं लाखों लोगों के सामने करते हैं तो इसका मतलब उस समस्या कितनी गहरी है दर्द कितना गहरा है सोच कितनी लंबी है स्वच्छता सफाई की सोच कितनी लंबी है ये सारी चीजों को हम देखते हैं हम यहां जब मैं चुनाव के लिए खड़ा था तो मैं बार-बार कहता था कोस्टल रोड बनाएंगे वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट को डेवलप करेंगे अब कोस्टल रोड को कल अप्रूवल मिला मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकाल में जो हमने वचन दिया था उसको कल हमारी सरकार ने अप्रूवल किया माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अगले 3 साल के अंदर हम इस कोस्टल रोड को बनाएंगे और सारी ट्रैफिक की समस्या मुंबई की निराकरण करेंगे ये कोई छोटी बात नहीं है ये एक बड़ी उपलब्धि है ऐसा मैं समझता हूं और इसी चीज को दोहराते हुए मैं इतना ही कहूंगा आज बहुत खुशी है मूर्ति साहब आप मेरे सामने मुझे बड़ा अक्वर्ड लग रहे हैं सच बताता हूं यहां मेरे दिल में कभी कितने भी राजनीतिक नेता बैठे धड़धड़ता नहीं है लेकिन आपको देख के लगता है ऐसी व्यक्ति सामने बैठी है कि जिनके बारे में बोलो उतना कम है पीपल शुड एम्युलेट हिम द इज टोटल जर्नी इज वंडरफुल वन और फिर सारा धन मिला आभूषण मिले सरकार की तरफ से मान्यता मिली अवार्ड्स मिले ये सब मिलने के बाद कोई व्यक्ति पद नहीं छोड़ता इंफोसिस का पद छोड़ा
इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल लगता है कि छोड़ दिया इंफोसिस का पद, कहा कि आप अभी चलाओ नीलगिनी जी, आप चलाओ। अभी तो कितनी संस्था पे आप हो मुझे मुझे नहीं मालूम, इतनी बड़ी लिस्ट है आपकी। सरकार ने आपको पद्म विभूषण अवार्ड दिया, मैं आज इस अच्छे समारोह पर इतनी एक प्रार्थना सरकार से भी करता हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में देख लेना हमारे नारायण मूर्ति जी भारत रत्न होंगे, इतना ध्यान में रखना। किसी को लगेगा एग्जैगरेट कर रहा है, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन मुझे याद करना कि अरविंद जी ने कहा था कि दिस मैन हैज गॉट दिस अवार्ड, और वही चीज है। और इसलिए मैं ठक्कर साहब आपको कितनी, जैसे उनको मैंने जुडिशियल जूरीज कहा, तो जूरीज को चुनने वाले तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो भी तो आपने ऐसे अच्छे जूरीज चुने, वो भी कोई आसान बात नहीं है। इज अ डिफरेंट मैन हु गेव मी द ब्रेक। ये हमारी राजलक्ष्मी राव बैठी है यहाँ, इन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। मैं लोअर मिडिल क्लास का एक आदमी, थोड़ा सा आपकी सोसाइटी में मिंगल होने में भी डरता था, अब नहीं डरता हूँ मिंगल, लेकिन वो ब्रेक मुझे किसी ने दिया तो प्रमोद ठक्कर जी ने दिया। और आज मुझे अच्छा लगता है कि इतना अच्छा बड़ा समारोह है कि जितनी सराहना की उतनी कम होगी। इट्स एन एनकरेजमेंट टू एवरी एंटरप्रेनर कि आज ये अवार्ड आपको मिला, ये कोई छोटी बात नहीं है। IMC का अवार्ड जब कवर्ड में रखोगे ना तो लगेगा ये कोई छोटी संस्था नहीं है। इंडियन मर्चेंट चेंबर्स इज नोन एंड रिकग्नाइज एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन इन द कंट्री एंड हिज सजेशंस, और ऐसी संस्था से अवार्ड मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे यहाँ बुलाकर जो आपने गौरवांकित किया उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और मैं इस अवसर पर सभी मेरे एंटरप्रेन्योर्स भाइयों बहनों को दुआ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और कहता हूँ कि गलतियाँ राजनीतिक दलों में होती रहती है, वहाँ दे हैव देयर ओन कंस्टेंट्स एज यू हैव योर ओन कंस्टेंट्स इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड रनिंग गवर्नेंस, दे टू हैव देयर ओन कंस्टेंट्स इन गवर्नेंस। क्योंकि हम कहते हैं 370 कलम रद्द करेंगे, नहीं कर सकते, अभी भी अयोध्या का मंदिर बनाना है, नहीं बना सकते, तो कुछ उनके भी कंस्टेंट्स है, समझ ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सरकार चलाने में आवश्यक थे, क्योंकि खास करके मुझे दो चीज़ों का कंसर्न है, एम्प्लॉयमेंट जो आपने दी है उसकी सराहना मैं बहुत करता हूँ, और दूसरी बात फार्मर्स की बात है। तो इन दोनों चीज़ों में जो भी अगर कहीं कंपनी एक्ट में कुछ खामियाँ हैं, किसी कानून में खामी है, GST आई है, आपके मन में कुछ शंका है, मैं आपको खुले दिल से कहा, आप तो मुझसे बड़े, आप तो ज़्यादा डायरेक्टली मंत्री जी से मिलते होंगे, लेकिन एक छोटा आदमी है, कभी कभी बाहर खड़ा रहता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो अंदर जाने नहीं देता, तो मैं उनमें से हूँ जो बराबर अंदर लेके जाऊँगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। इतना विश्वास दिलाकर आपसे विदाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। All right, so I'm sure we are speechless with that. We are speechless with that note from the chief guest. So may I quickly request, all right, please. Well, I'm pleased to inform this audience that the chairman of our jury, Mr. F.C. Kohli, has come here in our presence. Mr. Kohli called me up today and said, Lalit, main aaunga zarur. लेकिन थोड़ी देर से आऊँगा, बिकॉज आई हैव अ पर्सनल कमिटमेंट विच आई विल कीप, बट आई विल कम। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज प्रेजेंस एंड श्योर इनफ ही हैज केप्ट हिज वर्ड एंड इज हियर। आई मस्ट टेल यू दैट कोहली साहब इज अ पैट्रियार्क ऑफ द IT इंडस्ट्री। ही इज रियली रिस्पॉन्सिबल हैविंग क्रिएटेड इट starting with 70, you know, 10 years before Infosys started. So he's really, really responsible for what we are today. And I think it is in the fitness of things that we recognize his presence. And may I request our chief guest to give him a small memento in recognition of his being chairman of our jury and his contribution to the IT industry. Mr. Sawant, can you please?
Thank you, sir, for joining us. It's indeed an honor, of course. So, well, may I please quickly request Mr. Prabodh Thakkar, President IMC, to present a memento to our chief guest, Sri Arvind Sawant. So, please put your hands together for our chief guest, who has given us a mesmerizing address. So, this is a thank you gesture for accepting our invitation for being a part of this awards. President shaking hands with the chief guest. Thank you so much, sir, for being a part. Sure, sir. I say sorry that I could not take the name of Meera Sanyal, who contested against me. She's a wonderful lady. She's a wonderful lady, a wonderful friend, and a great. But just I saw her, I'm sorry, I could not take her name. All right, sir, thank you so much. So with that, on that note, may I please request the President-elect, Mr. Dilip Piramal, to please propose the vote of thanks. Please put your hands together for Mr. Piramal. Our chief guest, Mr. Arvind Sawant, President Prabodh Thakkar, Dr. Lalit Kanodia, Mr. Ketan Dalal, Mr. Narayan Murthy, Mrs. Ramadurai, award winners, eminent panelists, distinguished guests and friends. The main function of the Vice President is to give the vote of thanks. And this is our last event of the year under Prabodh Bhai's presidentship. And I must say, I think this is the best event of the year. Let me tell you why. I think in honoring these two eminent gentlemen, Dr. Murthy and Mr. Ramadurai, we are really honoring ourselves. The chamber is honoring ourselves. And we've had distinguished people, important ministers, but I don't think we have had people of this eminence. So thank you, sir, very much for your presence, Mrs. Ramadurai. And we are really, that is why I feel it's one of the best events of the year. But the real surprise has been our chief guest. I mean, though he's been our MP for 1 year, this is my first interaction with him. I have not had the privilege of hearing him before and all. Of course, his name is known to us. But what a humble man. And what, with such honesty, he spoke. Aapne man jeet liya sab. Aur bahut aaj aise aashwasan lag raha hai ki aise aap hamare sansad aise hoenge, hamare Mumbai ka sansad aisa hoga. So we are in good hands. So thank you very much, sir, for your aapne jo bhi kaha, bahut achha kaha. And we are really very, very happy to have you here with us today. It was a very pleasant surprise, I would say. And that also from a trade union leader, aap khud bata rahe hain apni baat. Aur you know, we normally hamare yahan sab industrialists, bade log, ministers aate hain. Aap bhi Mumbai ke sansad hain, to bahut bade aadmi hain. Lekin bahut achha laga aapko sunke. Bahut prashansa hui. I wish to congratulate Mr. Narayan Murthy and Mr. Ramadurai, who have been conferred Lifetime Achievement Awards for their contribution to the development of IT industry over the last more than 5 decades. And as I said, we are really honoring ourselves. They don't need these honors, but we are enhancing our own situation. I add my words of congratulations to the award winners and wish them to continue successfully in their mission and share their best practices with other organizations in the country. I am grateful to the eminent jury members, Mr. Ashank Desai, Mr. Atul Nishar, Mr. Kohli also fortunately has come now, Mr. Ganesh Natarajan, Mr. Harish Mehta, Mr. Shirish Gariba for their valuable time and effort in scrutinizing a large number of applications, as many as 150 that were received this year. Dr. Lalit Kanodia, our own Dr. Kanodia, Chairman Information Technology Committee, brought in a sense of perspective otherwise little known through the IMC IT Awards. My hearty congratulations to you, Dr. Kanodia, for your thoughtfulness and your incisiveness in conceiving these awards and giving IMC a wonderful evening. I take this opportunity to profusely thank our sponsors, Atul Nishar Foundation, Datamatic Groups, Hinditron Cray Supercomputers, My Mobile Payments Limited, WNS Global Services Private Limited, Global Skill and Knowledge Center, Zenza Technologies, and our media partner, NDTV Profit.
And last but not the least, I am grateful to all of you for being present in such large numbers and making the award functions a great success. We feel truly encouraged by the tremendous response from applicants and hope to continue getting even better response in future. I once again thank you, all of you, for joining us for the award ceremony. May I request all of you to join us for cocktails and dinner now. Thank you. Okay, come on. I'll come down. Thank you so much. I request all of you to wait for a while, just for a second. I know the sumptuous dinner and cocktails are definitely waiting. But before that, may I please request all the jury members to please come forward to have a quick photograph with the dignitaries. So all the jury members with our dignified dignitaries. And I request all the people to please fill in there with the president-elect, and the chief guest of the evening. And I would also request you all to please quickly fill in those feedback forms which you have given to you all before proceeding for the dinner and the cocktails. And I request all of you to please drop in your full name feedback forms at the registration desk. All are requested to please fill in the feedback forms and drop the same in the registration counter. So I hope you heard all that. Please don't forget to in fact fill in those feedback forms. And I would in fact give a big thank you to all of you for joining us. Have a great evening ahead. Thank you so much, and congratulations to all the winners. Thank you.